सीएम योगी ने शोभा यात्रा से पहले दिया संबोधन, कहा यूपी की जनता ने राष्ट्रवादी सरकार को चुना है, गोरखपुर में सभी 9 सीटें हमने जीती हैं। सीएम योगी ने कहा कि होली हमें प्रेरणा देती है, हमें हमेशा आगे बढ़ना है, कोरोना में मरने वाले लोगों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। सीएम बोले, महामारी हमेशा भुखमरी लेकर आती है। गोरखपुर में दिखा योगी आदित्यनाथ का बाल प्रेम, शोभा यात्रा में शामिल होने से पहले सीएम योगी एक बच्ची से मिले, बच्ची से काफी देर तक बातचीत करते रहे। पच्चीस मार्च को होगा योगी सरकार 2.0 का शपथ ग्रहण समारोह, लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होगा भव्य शपथ ग्रहण, प्रधानमंत्री समेत भाजपा के तमाम महारथी होंगे शामिल। योगी सरकार के शपथ ग्रहण में विपक्ष के लोग भी आ सकते हैं नजर, विपक्ष से सोनिया, प्रियंका, माया और अखिलेश को भी दिया जाएगा न्योता। इस मार्च को लखनऊ पहुंचेंगे यूपी के पर्यवेक्षक अमित शाह और रघुवर दास, हो सकती है विधानमंडल दल की बैठक, विधायक दल का नेता चुनने की औपचारिकताएं पूरी होंगी। आज से 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचेंगे संघ प्रमुख, 22 मार्च तक मोहन भागवत का रहेगा दौरा, प्रांतीय कार्यालय माधव धाम में एक बैठक के जरिए आरएसएस कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। हरिद्वार दौरे पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर राज्यपाल गुरमीत सिंह और कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्वागत किया। होली का जश्न खत्म होते ही नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज, 20 मार्च को देहरादून आ सकते हैं केंद्रीय पर्यवेक्षक, विधानमंडल दल की बैठक के बाद नया मुखिया कौन है इससे पर्दा उठेगा। पूर्व सीएम हरीश रावत का भाजपा पर तंज, मुस्लिम विश्वविद्यालय के बहाने किया सत्ताधारी पार्टी पर प्रहार, हरदा बोले भाजपा को मिली प्रचंड जीत के लिए विपक्ष को भी मिलनी चाहिए धन्यवाद। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 71 लोगों की मौत, 2075 नए केस दर्ज, 3383 लोग डिस्चार्ज। देश भर में कोरोना के एक्टिव केसेस घटकर हुए 27,802, अब तक 4,24,61,926 लोग कोरोना से जंग जीत चुके हैं, शुरुआत से अब तक 5,16,352 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बागपत में साधु की हत्या से सनसनी, संदिग्ध स्थितियों में मिला साधु का शव, पुलिस ने ग्रामीणों की सूचना पर शव को कब्जे में लिया।